अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और आज है ट्यूसडे, ये चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से एक नया ब्लॉग। और पहन लिया है आज मैंने ये कॉटन का सूट, नमाज पढ़ ली है और अब इसके बाद जा रहे हैं खाना खाने। वैसे ये सूट कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद का है, लेकिन फराज और अन्नू कह रहे थे ये पहन के बिल्कुल योगी लग रही हो। और एक्चुअली तुम्हें पता है ये वाला सूट मम्मी ने टेलर को दिया था उनके लिए सिलने को, और टेलर ने मेरे नाप का सिल के दे दिया है, इसलिए ये मेरा हो गया। अच्छा तो है। यहाँ पे मम्मी पता नहीं क्या बना रही है और बता नहीं रही है कि क्या बनानी, कह रही जब बन जाएगा तभी बताएंगे। और हम जा रहे हैं तैयार होने, क्योंकि हम अन्नू और खिज्र जा रहे हैं जेड स्क्वायर मॉल। जा रहे मम्मी? ठीक है। ये वाली नहीं, वो वाली अच्छी लग रही है। हाँ दिला दो मुझे प्लीज, ले ले और एक और दिला दो कोई सी। कौन सी अच्छी लग रही है जल्दी से बताओ। नहीं मुझे येलो वाली अच्छी लग रही है। आप देखिए येलो वाली कहाँ है, इधर है शायद, इधर कहीं पे। हाँ आपको कैसी लग रही है? फूड कोर्ट में जब गए थे चाट या बताशे खाने के लिए, वहाँ जाके पता चला कि वहाँ का जो चाट सेक्शन था वही बंद कर चुके हैं वो लोग, मतलब अब वो सर्व नहीं कर रहे हैं वो सब चीज़ें। तो हम लोग चले गए फिर मैकडॉनल्ड्स। मुझे टेस्ट कराओ, मना नहीं करा। अब मैं पूरी पी लूं? पीछे के बैठिए, हम पीछे आराम से। तो आगे से आपकी पूरी क्या। मम्मी ने बोला था सब्जी लेके आना सारी, तो लेने जा रहे हैं। सारी नहीं, सैलेड वाली सारी सब्जियां ली थी।
सारा काम हो गया है, अब चलते हैं घर वापस। कब बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है, हैं? आज खिस्ट का बर्थडे है क्या? चलो सब लोग गिफ्ट दो खिस्ट को। तो क्या ये सारे फुलाओगे तुम लोग? हाँ अब देखना उछाल देगा ये। नहीं पूरे खाएंगे। अरे मामा को बारिश कर रहा है। मिलेंगे नहीं फिर हम देंगे नहीं कोई सा। कौन लाया था इतने सारे बलून? हाँ डैडी ने बोला कोल्ड कॉफ़ी बना दो, तो किचन में आए बनाने के लिए। फ्रिज में देखा ये हर्शीज का सैशे रखा था, बहुत दिन से रखा था ये, बहुत दिन से आई मीन मतलब 2 महीने से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा आज इसको यूज़ करते ही हैं, तो कॉफ़ी में ऐड कर दिया। कॉफ़ी देने के बाद बाकी सब जो सामान मैं लेके आई हूँ, सब्जियाँ और अपने लिए जो कुछ भी, वो सब झोले से निकाल के उसकी जगह पे रखना था। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और अपने सभी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करिएगा और उनसे बोलिएगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरी काफ़ी हेल्प होगी। और अभी ये वीडियो की एंडिंग नहीं है, ये रात हो चुकी थी लेकिन अभी आगे देखना आप, रात के 12-1 बजे खिज़र ने ऊपर आके कितनी मस्ती करी है। और यहाँ पे सब कुछ वॉश करके रख लिया है। बहुत मजा आ रही तुमको है? अब बस अब मेरे थक गए हम, अब हम थक गए, अब मेरे ऊपर कूदो नहीं। ओई लो, रात के 1 बजने हैं और ये लड़का बिना बताए अपनी मम्मा को मेरे पास आ गया है। मम्मा मारती कैसे है एक बार मैं बता दो? ऐसे खू खू करके मारती है क्या? नहीं। फिर कैसे मारती है? ऐसे। ओई। ऐसे मारती। चांटा कैसे मारती है? वही वही से बताओ, वही से बताओ। और तुम फिर रोते कैसे हो? सही से बताओ, रो के बताओ। कैसे रोते हो?